दोस्तों, ये जो टायर आप देख रहे हो, ये कम से कम 2.5 इंची टायर फट गया है और ये ट्यूबलेस टायर है दोस्तों। और ये टायर क्यों फटा है दोस्तों? ये टायर इसलिए फटा है क्योंकि गाड़ी स्पीड में डिवाइडर से लगा है, इसके वजह से ये टायर इतना फट गया है दोस्तों। तो इसको बनाना है मुझे। देख सकते हो आप अंदर से भी कि कितना बड़ा ये टायर फट गया है और साइड का पंचर है दोस्तों। तो ये जो है ना, पंचर तो बन जाएगा दोस्तों, लेकिन ये ट्यूबलेस में नहीं चलेगा दोस्तों। दोस्तों ये टायर तो मैं अगर ट्यूबलेस बनाना चाहूँ तो बन जाएगा, लेकिन ये रनिंग में नहीं चलेगा। तो हेलो भाइयों, आप देख रहे हो टायर टेक्निकल 313 यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में मैं जो टायर बनाने जा रहा हूँ, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और दोस्तों तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये जो आप ये स्क्रीन पर टायर देख रहे हो, ये ट्यूबलेस टायर है और ये रेडियल टायर है दोस्तों। और ये ब्रिजस्टोन कंपनी का टायर है जो कि साइड में डिवाइडर की वजह से टायर फट गया है, यानी डिवाइडर से टायर टकराया है तो टायर फट गया है दोस्तों। जो कि आप ये स्क्रीन पर देख रहे हो, स्क्रू ड्राइवर मैं अंदर डाला हूँ तो इतना बड़ा फटा हुआ है, जो कि ये 2.5 इंची के आसपास ये फटा हुआ है। और इसी को मैं बना करके आपको दिखाऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक, आपको एक एक चीज स्टेप से देखना है जरूर। दोस्तों आपके मन में ये डाउट होगा कि इतना बड़ा फटा है तो इसमें कितना नंबर पेच लगेगा दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें 4 नंबर का पेच लगेगा, जो कि आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों ये वही पेच है जिसको मैं टायर के अंदर जो कट लगा हुआ है उसमें मैं लगाऊंगा, जो कि ये 4 नंबर है और ओमनी का है ये पेच दोस्तों। दोस्तों पेच लगाने से पहले जहाँ पे टायर में कट लगा हुआ है वहाँ पे वो पेच को रख करके आपको चेक कर लेना है कि जो पेच मैं लगा रहा हूँ वो पेच परफेक्ट बैठेगा, ये रॉन्ग साइज हो जाएगा तो इसको आपको चेक कर लेना है दोस्तों। दोस्तों जो पेच लगा रहे हो आप जब चेक कर लोगे कि वो राइट है या रॉन्ग है, उसके बाद दोस्तों इसमें फाइल मारने के लिए सबसे पहले आपको इसमें लकड़ी का गुटका लगाना पड़ेगा, जो कि आप देख सकते हो ये स्क्रीन पे, जो कि ये लकड़ी का एक गुटका लगाने के बाद टायर जो है ना थोड़ा फेल हो जाता है, यानी गैप हो जाता है। और इस तरीके से जब गैप हो जाएगा तो आपको ग्राइंडिंग मारने में फाइल मारने के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा और आप बहुत ही आसानी से फाइल मार सकते हो दोस्तों। दोस्तों लकड़ी का गुटका लगाने के बाद जब टायर के अंदर गैप हो जाएगा तो आपको पीला कलर का जो चौक मार्किंग होता है उस मार्किंग से आपको राउंड सर्कल आपको घेरा बना लेना है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि आपको फाइल मारने के लिए ज़्यादा घिसना नहीं पड़े, क्योंकि जब जितना आप वो ग्राइंडिंग करना है उतना मार्किंग कर लो, उसके बाद आपको ग्राइंडिंग करने में आसानी होगी दोस्तों। जो कि आप ये स्क्रीन पर देख रहे हो, जितना मैंने सर्कल बनाया था उतना ही ग्राइंडिंग किया हूँ और ये आसानी भी रहता है, इससे टाइम भी बचता है दोस्तों। दोस्तों याद रहे, जब साइड का जब कट पंचर बना रहे हो तो आपको इस कन्नी को भी थोड़ा रगड़ देना है, घिस देना है, इसमें फाइल मार लेना है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि पैच जो होता है आपके कन्नी के ऊपर चढ़ा करके आपको उसको चिपकाना पड़ता है, तो ये कन्नी भी आपको फाइल कर लेना है दोस्तों। दोस्तों जब अच्छी तरीके से आप ग्राइंडिंग मार के फाइल मार दोगे तो आपका जो पैच मारने वाले हो उस पैच को उस ग्राइंडिंग मारे हुए जगह पे आपको रख करके चेक कर लेना है कि जितना मैंने फाइल मारा है वो पैच को कवर कर पाएगा या और भी घिसना पड़ेगा, इस तरीके से आपको डाल करके चेक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों इसमें आपको सुलेशन लगाना है। सुलेशन दोस्तों ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हो ये ओमनी का पैच है, जो कि पंचर बनाने के लिए भी काम आता है और पैच लगाने के लिए भी काम आता है, दोनों में यही सोल्यूशन लगता है। तो चलिए मैं अच्छी तरीके से इसमें सोल्यूशन लगा लेता हूं दोस्तों। सोल्यूशन एकदम अच्छी तरीके से लगाना है और सूखने के लिए 5 मिनट छोड़ देना है दोस्तों। दोस्तों याद रहे, सोल्यूशन जो है ना अच्छी तरीके से लगाना है, क्योंकि आप आराम से काम करोगे और परफेक्ट काम करोगे तो कस्टमर आपके पास दोबारा आएगा। और दोस्तों ये कॉर्नर में खास करके आपको सोल्यूशन लगाना है, क्योंकि उस पर भी आधा पैच जाएगा, यानी 1 इंच के आसपास उस पर पैच चढ़ा करके उसको चिपकाना पड़ेगा दोस्तों। तो मैं सोल्यूशन फटाफट लगा लेता हूँ। और दोस्तों सोल्यूशन लगाने के बाद दोस्तों 5 मिनट आपको छोड़ देना है, ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि सोल्यूशन जब तक सूखेगा नहीं, जब तक वो पैच को पकड़ेगा नहीं दोस्तों।
दोस्तों अभी जो मैं टायर बना रहा हूँ जो कि ये ट्यूबलेस टायर है और ये साइड में फटा हुआ है 2.5 इंच के आसपास, तो दोस्तों इसमें कच्चा रबर भी थोड़ा मैं लगा देता हूँ, ये इसलिए क्या थोड़ा सेपरेट रहेगा। दोस्तों अच्छी तरीके से काम करने से टायर थोड़ा लंबा टाइम चलेगा, क्योंकि दोस्तों टायर जो है ना साइड का कटा हुआ है और एक बार सेंटर में रहता है तो आप कैसे भी बना देते तो सेंटर में थोड़ा चलता है, लेकिन साइड का है, साइड का टायर थोड़ा कमज़ोर होता है। तो आपको इस तरीके से रबर थोड़ा कटिंग करके और उसको फोल्ड कर लेना है, यानी डबल कर लेना है, उसके बाद उसके अंदर चिपका देना है। दोस्तों ये जो कच्चा रबर है इसमें भी थोड़ा आपको सुलेशन लगाना है। वह सुलेशन इसलिए लगाना है दोस्तों, क्या है ना आपस में दोनों को चिपकाना है यानी फोल्ड करना है, तो इस तरीके से आपको दोनों साइड से सुलेशन लगा लेना है और उसके बाद फोल्ड कर लेना है। उसके बाद अंदर सेंटर में जहाँ पे कट लगा हुआ है वहीं पे आपको ये रबर को लगाना है दोस्तों इस तरीके से आपको सुलेशन लगाने के बाद इस तरीके से आपको फोल्ड कर लेना है, जो कि आप ये स्क्रीन पर देख रहे हो मेरे हाथ में, इस तरीके से आपको फोल्ड कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों जहाँ पे कट लगा हुआ है टायर के अंदर में साइड में, वहाँ पर आपको इस तरीके से सेंटर में इसको चिपका देना है और उसके बाद दोस्तों इसके ऊपर पैच लगाना है दोस्तों। और याद रखें दोस्तों, इसको पैच पर चिपकाने से पहले आपको अच्छी तरीके से वो लब्बर जो है उसको अच्छी तरीके से चिपका देना है, बैठा देना है, जो कि आप ये स्टीचर के मदद से इस तरीके से आप थोड़ा प्रेस करोगे तो आपका जो वो लब्बर लगाए हो वो अच्छी तरीके से सेटिंग हो जाए और बैठ जाए दोस्तों अब टाइम आ चुका है टायर के अंदर पैच लगाने का टाइम। दोस्तों पैच लगाने के लिए सबसे पहले आपको पैच का जो पन्नी होता है, उसका जो थैला होता है, उसको ब्लेड से कटिंग करके इस तरीके से आपको निकाल लेना है, आराम आराम से दोस्तों, अच्छे तरीके से निकाल लेना है दोस्तों वैसे तो पैच के अंदर सोलेशन मारा ही हुआ रहता है, लेकिन आपको भी थोड़ा बहुत मार लेना है, इससे क्या है ना टायर के अंदर चिपकेगा अच्छी तरीके से दोस्तों। इस तरीके से आपको सुलेशन थोड़ा और लगा लेना है, उसके बाद चिपकाओगे तो अच्छा रहेगा। और दोस्तों पैच लगाने के लिए सबसे यूनिक तरीका जो मैं बता रहा हूँ, जो आप पैच निकाले हो, पैच का जो थैला निकाले हो, इस तरीके से आपको पकड़ लेना है और उसके बाद दोस्तों इस तरीके से जैसा मैं अपने हाथ में पैच को पकड़ा हूँ, इस तरीके से आपको पैच को पकड़ना है। और उसके बाद जो है ना आपको टायर जहाँ पे फटा हुआ है उस सेंटर में आपको अच्छी तरीके से सेटिंग लगा करके आपको पैच को चिपकाना है दोस्तों। इस तरीके से आप टायर को अंदर पैच लगाओगे तो कभी भी जो है ना नहीं इधर होगा नहीं उधर होगा, यानी एकदम सटीक सेंटर में बैठ जाएगा पैच और अच्छी तरीके से बैठ जाएगा दोस्तों याद रखें ये साइड का पंचर है जो कि साइड में कट लगा हुआ है, तो आपको जो है ना कन्नी जो होता है वो कन्नी के ऊपर थोड़ा चढ़ाना है, जो कि आप मेरे हाथ के सामने एरो देख रहे हो, इस एरो के सामने भी थोड़ा आपको ऊपर चढ़ा करके पैच लगाना है। और उसके बाद दोस्तों इस तरीके से आपको पन्नी जो होता है वो थैला, जो पैच का जो थैला है वो निकाल देना है दोस्तों। और उसके बाद जो है ना अच्छी तरीके से आपको उंगली से सबसे पहले दबा देना है, उसके बाद आपको इसके ऊपर जो है ना स्टीचर को घुमाना है, जो कि मैं आपको एक मिनट बता रहा हूं दोस्तों इस तरीके से आपको टायर का जो अंदर पैच लगाए हो वो पैच के ऊपर इस तरीके से आपको स्टीचर घुमा देना है, जो कि अच्छी तरीके से पैच के ऊपर घुमा देना है दोस्तों। इससे क्या है ना अच्छी तरीके से चिपक जाएगा और पकड़ लेगा और कभी भी वो निकलेगा नहीं दोस्तों इस स्टीचर घुमाने के बाद दोस्तों आपको हाथ से भी चेक कर लेना है कि चिपका है या नहीं चिपका है। दोस्तों ये ट्यूबलेस टायर है और पहले से इसमें जो दोरी वाला पंचर बनाया हुआ था इसको चाकू से इस तरीके से कटिंग कर लेना है, क्योंकि दोस्तों इसमें ट्यूब डालना है, तो ट्यूब डालना है तो जो पहले से बाहर से पंचर बनाया है उस पंचर को आपको चाकू की मदद से इस तरीके से कटिंग कर लेना है, उसके बाद इसमें अंदर में ट्यूब डालना है दोस्तों। और देख लो दोस्तों ये ट्यूबलेस वाल ऐसा ही होता है जो कि लब्बर का आता है और ये लॉक रहता है बाहर से भी और अंदर से भी दोस्तों, आप देख सकते हो दोस्तों ये काट करके ही बाहर निकालना पड़ता है, ये ऐसे खींचने से नहीं निकलता है दोस्तों, तो काट के ही निकलता है दोस्तों आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज हमारी YouTube फैमिली 2000 सब्सक्राइबर के पार हो चुकी है।
जो कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा नंबर है। और आप लोग इस तरीके से हमें सपोर्ट कीजिए और इसी तरीके से आप मुझे कमेंट कीजिए दोस्तों, आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, हम वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों अगर चैनल पे आप पहली बार आए हो तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा तो एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। दोस्तों कभी भी कोई भी गाड़ी में अगर आप ट्यूब डाल रहे हो तो ट्यूब को चेक कर लेना है, क्योंकि आप कंपनी से तो खरीद के लाते हो या दुकान से खरीद के लाते हो, लेकिन चूहा काट देता है या कोई पत्थर या कंकर लगने की वजह से वो नया ट्यूब भी पंचर हो सकता है। तो आपको इस तरीके से हवा डाल करके चेक कर लेना है दोस्तों। यहाँ पे मैं थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ वीडियो। लास्ट का 2-3 सेकंड का मैं वीडियो थोड़ा स्लो मोशन दिखाऊंगा दोस्तों। दोस्तों मेरे दिल में एक डाउट है जो कि मैं आपसे पूछ करके मैं अपने डाउट को क्लियर करना चाहूंगा। दोस्तों मैं जो ये वीडियो बनाता हूँ टायर और ट्यूब से रिलेटेड, अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर बोरिंग लगती है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। अगर मेरे में कुछ गलतियां हैं तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किया कीजिए और अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। इसी तरीके से आपके लिए अच्छा वीडियो लाते रहूँगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आप देख सकते हो ये टायर बना के मैंने